इस तरह पालक की कचौड़ी बनाकर लोगों को खिलाएंगे तो लोग आपकी कचौड़ी के दीवाने हो जाएंगे। पालक की कचौड़ी खाने में स्वादिष्ट और टेस्टी होती है, साथ ही साथ ये बहुत ही हेल्दी होती है। इसे बनाना भी बेहद आसान है, इसे आप घर पर बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हैं। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले पालक लिया गया है, पालक को उबाला जाएगा तो एक कढ़ाई में इसे डाल दिया जा रहा है। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड करने के बाद इसे हम लोग ढक कर लगभग 4 से 5 मिनट के लिए रख देंगे। 4 से 5 मिनट बाद ये हमारी उबल जाएगी। पालक पूरी तरीके से उबल चुकी है। अब इसे हम लोग गैस चूल्हा बंद कर देंगे और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तब तक ये हमारा ठंडा हो रहा है। फिर दोस्तों पालक की कचौड़ी में एक पेस्ट और डालेंगे जिससे पालक का स्वाद बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले धनिया डाली जा रही है मिक्सी के जार में। तो 4 लहसुन, 2-3 हरी मिर्च, 1 छोटा अदरक का टुकड़ा और धनिया, खड़ी धनिया। धनिया के बाद थोड़ा सा 1 छोटा चम्मच सौंफ, फिर चटनी के स्वाद के अनुसार नमक, लगभग 2 चम्मच दही डाल दिया जा रहा है। अब मिक्सी में से पीस लिया जाएगा। ये पेस्ट हमारा रेडी है, इसे भी पालक की कचौड़ी में डाल दिया जाएगा जिससे इसका स्वाद बहुत ही बढ़ जाएगा। अब पालक हमारी ठंडी हो चुकी है, अब इसे भी मिक्सी में पीस लेंगे। पीसते वक्त इसमें पानी थोड़ा सा डाल सकते हैं जिससे हमारी अच्छी तरीके से ये पीस जाए। अब दोनों को, चटनी को और पालक को एक साथ हम लोग मिक्स कर लेंगे। लगभग 2 कटोरी आटा लिया गया है एक बाउल में। फिर दोस्तों इसमें 1 चम्मच बेसन डाल दिया जा रहा है, उसके बाद नमक, नमक के बाद खड़ा जीरा, आप जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं। जीरा पाउडर के बाद गर्म मसाला डाला गया है। गर्म मसाला के बाद तीखा करने के लिए पिसी लाल मिर्च डाल दी गई है। अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें पानी से नहीं इसको गूंथेंगे, इसे पालक और जो हम लोगों ने पेस्ट बनाया था इसे मिक्स कर दिया गया है, पालक और पेस्ट को। फिर इसे जो है अच्छी तरीके से थोड़ा थोड़ा डालकर इसे हम लोग आटा गूंथ लेंगे। यह हमारा रेडी हो चुका है। जब रेडी हमारा हो जाएगा तब इसमें 1 चम्मच देसी घी डालकर इसे अच्छी तरीके से फिर से हम लोग मिक्स कर लेंगे और 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे। यह हमारा रेडी हो चुका है। 15 मिनट के बाद इसे फिर हम लोग निकालेंगे और अच्छी तरीके से मसल लेंगे। मसलने के बाद दोस्तों इसकी हम लोग छोटी छोटी कचौड़ी के आकार की लोई काट लेंगे। इसी तरीके से सारी लोई यहाँ पर काट ली जाएगी। काटने के बाद इसकी हम लोग कचौड़ी बेल लेंगे। थोड़ा सा आटा लगाकर पैथन पूड़ी बेल लिया जा रहा है। इसी तरीके से सारी कचौड़ी बेल ली जाएगी। उसके बाद दोस्तों इसे जो है सरसों के तेल में निकाल लिया जाएगा। ये हमारी बहुत ही कुरकुरी, टेस्टी और फूली फूली कचौड़ी बन जाएगी। इसे आप रायता के साथ या अचार के साथ या चटनी के साथ खा सकते हैं। ये बहुत ही खाने में स्वादिष्ट लगेगी। ये हमारी कचौड़ी रेडी हो चुकी है। घर पर इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें दोस्तों। यहाँ पर रायते से इसे खाया जाएगा। मैं इसी तरीके से ढेर सारी वीडियो लाने वाला हूँ। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।